हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, उसमें गुरुसेवक गोदारा ने एक कमेंट किया था। उसमें लिखा था कि लड़की मान नहीं रही है यार, क्या करूं। तो मैंने इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि लड़की बात नहीं कर रही तो उसे कैसे मनाएं। आज के वीडियो का इंटेंशन यही होगा कि लड़की को मनाना और फिर से रिश्ते में वापस लाना और अच्छे तरीके से फिर से रिश्ते को शुरू करना है। मैं 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या तो फिर दोस्त रूठी है तो उसे कैसे मनाते हैं। यदि आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि उसने इस रिश्ते से अलग होने के फैसले कर लिए, लेकिन आपका दिल है कि उसे छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर वक्त बेकार ना कर, जरूरत के फौरन उसे कदम उठाने की ज़रूरत है। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जो रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। नंबर 7 पे, सबसे पहले वजह जानिए। सबसे पहले खुद से ब्रेकअप की वजह पूछिए। खुद से ये सवाल करें कि ऐसा क्या कारण था कि वो नाराज हो गई या तो फिर मैं गुस्सा में आ गया। उसको भी आप पूछ सकते हैं, उस गलती से बचा जा सकता है। आप क्या अलग कर सकते थे कि नौबत यहाँ तक ना पहुँचे। इस बात को याद रखें कि महिला पुरुषों की अपेक्षा में अधिक भावनात्मक होती है। आपकी जरा सी भी कड़वी बात उनके दिल पे गहरी चोट पहुंचा सकती है। खासकर प्यार के रिश्तों को लेकर वे बेहद संजीदा होती है। पुरुषों के साथ ब्रेकअप का फैसला वे यूं ही नहीं लेती। जब उन्हें कोई बात बहुत बड़ी बुरी लगती है वे इतना ही बड़ा फैसला लेती है, वरना इतना बड़ा फैसला वो तुरंत नहीं करती। तो आपको ये पहले वजह समझनी होगी। नंबर 6 पे, जरूरत पड़े तो माफ़ी मांगी। वजह जानने के बाद अगर आपको लगे कि आपके गलती की है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ अपना ईगो बीच में आ जाता है। अगर ब्रेकअप के लिए आप जिम्मेदार हैं तो माफ़ी मांगने में जरा भी देर ना करें। और तो मैं तो कहूँगा, आपका गलती हो या ना हो, आप फिर भी माफ़ी मांगिए, उससे रिश्तों में नई सुधार आती है और रिश्ता आगे बढ़ता है। अपनी गलती के लिए आपको माफ़ी मांगने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस बात को मत भूलिए कि आपकी यह हिचकिचाहट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये थोड़ा सा ईगो जो आपको दिखता भी नहीं है वो आपको पूरे रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। उससे अच्छा है कि छोटी सी माफ़ी मांगकर आप रिश्ते को सुलझा सकते हैं। नंबर 5 पे, थोड़ा रिलैक्स करिए। लड़ाई झगड़े वाले मूड से बाहर निकलकर थोड़ा सा रिलैक्स करें। पुरानी बातों को दिमाग में न रखें, इससे आपको सिर्फ तनाव और तकलीफ ही हो सकती है। इस तनाव का असर आपके रिश्ते में भी पड़ सकता है। यह बात अपनी गर्लफ्रेंड से भी कह सकते हैं। अगर वह आपसे मिलना नहीं चाहती है तो लेटर, ईमेल या फिर मोबाइल के जरिए चैटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख के भी स्माइली भेज सकते हैं और बात को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 4 पे है, कभी कभी मजाक भी आ सकता है काम। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो, ये लाइन कहकर थोड़ा सा जादुई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा रोमांटिक अंदाज में यह बात उसके कानों के पास जाकर बोलिए, लेकिन ये सब नेचुरल लगना चाहिए। अगर आप मजाकिय इंसान हैं तभी ऐसा कहिए। गर्लफ्रेंड का मूड सही हो जाए तब उसकी तंज खींचकर माहौल को थोड़ा खुश मिजाज बना दीजिए। नंबर 3 पे, सामाजिक रिश्तों का आनंद उठाए। बेशक ब्रेकअप किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि जिंदगी की रफ्तार थम ली जाए। वही रुक जाना जिंदगी नहीं, जिंदगी रवानगी का दूसरा नाम है। जो ठहर जाए वो जिंदगी कहाँ। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अच्छा वक्त बिताए, घूमिए फिरिए, नए दोस्त बनाए और अन्य दूसरी दिलचस्प चीज़ों की और दिमाग को व्यस्त रखें। ऐसा करने से आप अवसाद जैसी स्थिति से बचे रहेंगे। नंबर 2 पे, खुद को करें साबित। अपने गर्लफ्रेंड को दिखाएं कि आप उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उसे इस बात का भी एहसास कराइए कि आप अब भी उसे याद करते हैं। दोनों तरह एक भावना दिखाने में जरूरी संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपका सदा हुआ रुख आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी कमी का एहसास दिला सकता है और हो सकता है कि रिश्ते में फिर से शुरुआत हो जाए। नंबर 1 पे, संबंध हमेशा दोस्ताना रखिए। ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर मोहब्बत का रिश्ता टूट भी जाए तो भी दोस्ती आपकी टूटनी नहीं चाहिए। हालांकि ये जरा मुश्किल हो सकता है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके लिए खुद को जरा सा वक्त जरूर दें। भरोसा और नया रिश्ता बनने में कुछ वक्त तो लगता ही है, लेकिन मुमकिन है अच्छी दोस्ती के बाद आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और शायद रिश्ता दोबारा शुरू हो जाए। इसीलिए कदम धीमे और सधे हुए उठाएं। तो ये थे 7 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी गर्लफ्रेंड को या तो फिर लड़की को मना सकते हैं। गुरुसेवक गोदारा का ये आंसर है। अगर आप भी अपने आंसर को वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी बी एफ राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ सवाल या सुझाव तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं, मैं पढ़ना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।